बोल्ड स्काई पर आपका स्वागत है दोस्तों। इस साल 3 नवंबर शनिवार को रमा एकादशी मनाई जाएगी। ये कार्तिक माह की एकादशी है जिसका बहुत महत्व होता है। इस दिन विशेष पूजा अर्चना भी होती है, साथ ही साथ कथा सुनने का भी विधान है। और आज इसी दिन से जुड़ी, इसी एकादशी से जुड़ी कथा हम आपके साथ साझा करेंगे। इसका विस्तार युधिष्ठिर के आग्रह पर श्री कृष्ण ने किया। कृष्ण ने कहा, ये पापों से मुक्त करती है। इसकी कथा इस प्रकार है। पौराणिक युग में मुचुकुंद नामक प्रतापी राजा था। उनकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। इनका विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया गया। शोभन शारीरिक रूप से अत्यंत दुर्बल था। वो एक समय भी बिना अन्न के नहीं रह सकता था। एक बार दोनों मुचुकुंद राजा के राज्य में गए। उसी दौरान रमा एकादशी व्रत की तिथि थी। चंद्रभागा को ये सुन चिंता हो गई, क्योंकि उसके पिता के राज्य में एकादशी के दिन पशु भी अन्न घास आदि नहीं खा सकते, तो मनुष्य की तो बात ही अलग है। उसने ये बात अपने पति शोभन से कही और कहा, अगर आपको कुछ खाना है तो इस राज्य से दूर किसी अन्य राज्य में जाकर भोजन ग्रहण करना होगा। पूरी बात सुनकर शोभन ने निर्णय लिया कि वो रमा एकादशी का व्रत करेंगे, इसके बाद ईश्वर पर छोड़ देंगे। एकादशी का व्रत प्रारंभ हुआ। शोभन का व्रत बहुत कठिनाई से बीत रहा था। व्रत होते होते रात बीत गई, लेकिन अगले सूर्योदय तक शोभन के प्राण नहीं बचे। विधि विधान के साथ उनकी अंत्येष्टि की गई और उनके बाद उनकी पत्नी चंद्रभागा अपने पिता के घर में ही रहने लगी। उसने अपना पूरा मन पूजा पाठ में लगाया और विधि के साथ एकादशी का व्रत किया। दूसरी तरफ शोभन को एकादशी व्रत करने का पुण्य मिलता रहा और वो मरने के बाद एक बहुत भव्य देवपुर का राजा बनता है, जिसमें असीमित धन और ऐश्वर्य है। एक दिन सोम शर्मा नामक ब्राह्मण उस देवपुर के पास से गुजरता है और शोभन को देखकर पहचान लेता है और उससे पूछता है कि कैसे ये सब ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ। तब शोभन उसे बताता है कि ये सब रमा एकादशी का प्रताप है, लेकिन ये सब अस्थिर है, कृपा कर मुझे इसे स्थिर करने का उपाय बताएं। शोभन की पूरी बात सुन सोम शर्मा उससे विदा लेकर शोभन की पत्नी से मिलने चले जाते हैं और शोभन के देवपुर का सत्य बताते हैं। चंद्रभागा ये सुनकर बहुत खुश होती है और सोम शर्मा से कहती है कि आप मुझे अपने पति से मिलवा दीजिए, इससे आपको भी पुण्य मिलेगा। तब सोम शर्मा उसे बताते हैं कि ये सब ऐश्वर्य अस्थिर है। तब चंद्रभागा कहती हैं कि वो अपने पुण्यों से इन सब को स्थिर कर देगी। सोम शर्मा अपने मंत्रों एवं ज्ञान के द्वारा चंद्रभागा को दिव्य बनाते हैं और शोभन के पास भेजते हैं। शोभन पत्नी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। जब चंद्रभागा उससे कहती है कि मैंने पिछले 8 वर्षों से नियमित 11 का व्रत किया है, मेरे उन सब जीवन भर के पुण्यों का फल मैं आपको अर्पित करती हूँ। उसके ऐसा करते ही देवनगरी का ऐश्वर्य स्थिर हो जाता है और सभी आनंद से रहने लगते हैं। इस प्रकार रमा एकादशी का महत्व पुराणों में बताया गया है। इसके पालन से जीवन की दुर्बलता कम होती है, जीवन पाप मुक्त होता है। तो ये थी कथा रमा एकादशी की। आशा करते हैं कि इस दिन से जुड़ी ये विशेष कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी कथा के साथ ही बोल्ड स्काई में अभी के लिए बस इतना ही।